आंधी तूफान के अलर्ट के बीच भूकंप की दस्तक। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके। कुदरत के कोप से कांपे लोग। दिल्ली में शाम 4 बजे जब आसमान में काले बादलों ने डेरा जमाया तो लगा कि मौसम विभाग ने आंधी बारिश की जो चेतावनी दी थी उसी का यह ट्रेलर है। लेकिन 11 मिनट के भीतर कुदरत का दूसरा ही कोप सामने आया जब दिल्ली एनसीआर की धरती कांपने लगी। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यह भूकंप का झटका है, लिहाजा जो जहां थे वो सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग चले। ये कंप्यूटर पे बैठे हुए थे, इनका कंप्यूटर का स्क्रीन हिलने लगा और मैं मोबाइल पे देख रहा था, मेरी कुर्सी हिल गई। तो फिर मैंने इनको बताया कि भूकंप आया, इन्होंने भी तुरंत कहा भूकंप आया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। इनके साथ ही जो है वो अभी हम लोग मिले तो यही शेयर कर रहे थे आपस में कि कैसे भूकंप आया और बाहर कैसे बारिश हो रही है, एक तरफ तूफान का माहौल और दूसरी तरफ भूकंप का। इस भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और तजाकिस्तान बॉर्डर पर हिंदू कुश में पाया गया। धरती के 96 किलोमीटर नीचे गहराई में यह भूकंप आया था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका केंद्र अफगानिस्तान के पास हिंदू कुश का क्षेत्र बताया जा रहा है। जिस तरीके से बीते कई दिनों से मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था कि आंधी बारिश तूफान के संकेत मिल सकते हैं, इसमें एक नया संकेत, एक नया रुझान ये भूकंप का भी जुड़ करके आया है। दिल्ली एनसीआर में झटका मामूली था, लेकिन देश के कई शहरों में इसे लोगों ने साफ तौर पर महसूस किया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। श्रीनगर में तो जलजला आते ही लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप की वजह से लोग डर के मारे अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। देखिए 6.2 अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है और 100 किलोमीटर की गहराई पे है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी इलाके में इसका कोई इसकी वजह से कोई डैमेज हुआ होगा। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता तो इसकी वजह से कुछ डैमेज हो सकता था। जैसे मैं बताया कि अक्टूबर 2015 का अर्थक्वेक था, तो वो जो भूकंप था उसने जम्मू कश्मीर के इलाकों में कुछ नुकसान किया था। जी, हम ऑफिस में थे, अभी हमने ये महसूस किया है, 2-3 झटके किए हैं, हम ऑफिस से नीचे आ गए, भूचाल के झटके देखे हैं, जबरदस्त एक दो झटके जबरदस्त आ गए। हिमाचल के खजियार में जब भूकंप आया तो हमारी सहयोगी गोपी घांगर भी वहीं मौजूद थी। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के खजियार में मौजूद हूँ और यहाँ पे जब हम लोग जमीन पे बैठे हुए थे, यहाँ पे बकायदा हमने पूरा जमीन हिलती हुई महसूस की है और उसी वक्त हमें लगा कि अर्थक्वेक आया है। एक मायने में ये भूकंप इंटरनेशनल था। इसका केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान के बीच था। भूकंप के झटके अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि भूकंप से अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।